इधर यूपी के चंदौली में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया है। युवक के मौके पर चढ़ने के बाद यहां टावर के आसपास काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है। लोगों ने पुलिस और दमकल को मामले की जानकारी भी दी। युवक ने टावर पर चढ़े होने की सूचना के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और फिर युवक को समझाने बुझाने की काफी कोशिश भी की गई है। काफी देर से युवक को समझाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन अभी तक युवक को नीचे नहीं उतारा जा सका है। अमित जायसवाल हमारे संवाददाता जुड़ गए वहां से। अमित, क्या साफ हो पाए है आखिर क्या वजह है कि युवक टावर पर चढ़ गया और क्या अभी इसे नीचे उतारने में सफलता मिल पाई है या नहीं? अभी जी अभी वहाँ मौके पर प्रशासन मौजूद है, फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ आ गई हैं, अभी ये तैयारी चल रही है कि उसको कैसे उतारा जाए। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो युवक चढ़ा है उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई, पहचान नहीं हो पाई, इससे दिक्कत ये हो रहा है कि उसके घर वालों को भी नहीं बुलाया जा सकता। पुलिस इसी उधेड़ बुन में है क्योंकि टावर की ऊंचाई ज्यादा है और अभी अब मोबाइल और कैमरे से भी वो नहीं देखा जा पा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा जिला प्रशासन भी सकते में है, पुलिस प्रशासन भी सकते में, कहीं अगर फौरी तौर पर कोई अचानक कदम उठाया जाए कहीं वो टावर से कूद जाएगा उसकी मौत सुनिश्चित है, इसलिए प्लानिंग के साथ पूरी तैयारी करके ही उसकी रेस्क्यू किया जाएगा और वहां मौके पर डीएम और एसपी भी पहुंचने वाले हैं। जी चलिए शुक्रिया आपका कुमार जायसवाल यहाँ पर ये तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो अमित हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरीके से ये शख्स अभी भी टावर पर चढ़ा हुआ है और इसे नीचे उतारने की जो कोशिशें हैं वो लगातार की जा रही हैं।